हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आप सभी को मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। गाइस, आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पानी बाहर निकाल रही हूँ। गाइस, आज सुबह से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है कि बारिश का पानी मेरे घर के अंदर तक घुस गया और मैं वो पानी झाड़ू बर्तन बाल्टी की मदद से रूम से बाहर निकाल रही हूँ। गाइस, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जी, कई बार ऐसा हो चुका है जो बारिश का पानी मेरे रूम के अंदर तक आ जाता है। मेरे घर में दो बेडरूम है तो दोनों के अंदर ही मतलब पानी आ जाता है। गाइस, आप लोग देख रहे हैं कि मैं झाड़ू की मदद से सारा पानी रूम से बाहर निकाल रही हूँ। सारा रूम मेरा एकदम पूरा भींग चुका है और जो पोछने के लिए मैंने पानी रखा था वही पोछा मैंने निगूर के फिर से दोबारा यूज करूँगी, क्योंकि अभी बारिश के टाइम है और अभी कोई भी कपड़ा सूख नहीं रहा, तो मैं इसी को दोबारा यूज करूँगी। और अभी सुबह से लाइट भी नहीं है कि पंखा चला कर रूम जल्दी से मैं सुखा लूँ, इसीलिए वही कपड़ा सब मैं यूज कर रही हूँ पोछने के लिए। गाइस, दोबारा से मेरा घर में पानी भर चुका है। आदर्श जाके बोला, मम्मी पानी दोबारा भर चुका है रूम में। तो मैं फिर से दोबारा झाड़ू लेके आ गई और फिर से दोबारा पानी रूम से निकालने लगे। इस तरह से गाइस, आज दिन भर में मैंने लगभग 3 से 4 बार रूम का पानी बाहर निकाला। अभी सुबह से जो बारिश हो रही है, अभी शाम के 5 बज गए हैं, फिर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। एक ही जैसा बारिश होते ही जा रहा है। अभी सुबह से मैं लगभग 3 बार रूम को साफ कर चुकी हूँ और वही कपड़ा बार बार निगोर निगोर के रख दे रही हूँ। गाइस, आप लोग देख रहे हैं कि मेरा बालकनी भी पानी से पूरा भर चुका है। मैंने बालकनी भी सुबह से 3 से 4 बार मैंने साफ़ कर लिए हैं। बालकनी का पानी बार बार झाड़ू से इसको निकाल रही हूँ ताकि ज़्यादा पानी बालकनी में अगर भर गया तो पूरा घर मेरा पानी से भर जाएगा। और इतना तेज़ हवा भी चल रही है कि मैं आदर्श को बाहर निकलने से भी मना कर रही थी, क्योंकि वो ठंडा में रहेगा तो उसका तबीयत खराब हो जाएगी। बच्चा नाजुक होता है, उनको बहुत ही जल्दी इस सब चीज़ों का असर पड़ जाता है और अभी तबीयत खराब होने में जल्दी से ठीक भी नहीं होएगा, इसीलिए मैं उसको नहीं जाने दे रही थी। और इधर आदर्श बहुत ही ज़्यादा गंदा कर दिया था, पूरा रूम पेपर के कट के कुछ बना रहा था, तो मैंने सारा रूम झाड़ू भी लगा दिया। उसके बाद मैंने पोछा झाड़ू करने के बाद, पूरा रूम साफ करने के बाद जो बाहर कपड़े रखे हुए थे सारा कपड़ा मैंने अंदर डाल दिए। मैंने और आदर्श ने दोनों ने मिल के पहले से ही घर में रस्सी को बांध लिया था। उसके बाद मैं सारा कपड़ा अंदर ला के पसार दे रही हूँ। इसका पानी सूख चुका है लेकिन फिर भी ये गीला है, सुबह तक सूख जाएगा, इसलिए मैंने घर के अंदर ही पसार दिया। अभी शाम के बज चुके हैं 6:30 और मतलब रात को खाने में से बनाने के लिए सब्जी नहीं है, तो मैंने बहुत सोचा कि मैं रात के लिए क्या खाने में बनाऊं। तो बहुत सोचने के बाद मुझे याद आया कि घर में सत्तू है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज सत्तू की पूरी और दाल की सब्जी बना लूं। तो गाइस, आप लोग देख रहे हैं कि सत्तू की पूरी बनाने के लिए मैं आटा गूंथ रही हूँ। मैंने आटा में हल्का सा नमक डाला है ताकि पूरियाँ सॉफ्ट बनेगी। आटा में नमक डालने से पूरी सॉफ्ट बनती है। गाइस, मेरा आटा गूंथा हुआ हो गया। मैं इसको प्लेट से ढक के थोड़ी देर के लिए रख लूँगी, तब तक मैं सत्तू को रेडी कर लूँगी। गाइस, आप लोग देख रहे हैं कि मैं सत्तू की पूरी बनाने के लिए एक कटोरे में सत्तू ले ली हूँ। यह लहसुन है, मिर्च है, प्याज है, इन सारे को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर सत्तू में मिला दूँगी। इसमें हल्का सा नमक, हल्का सा तेल और डाल के इसको सारा सामान को एक साथ मिला दूँगी। तो आप लोग देख रहे हैं मैं सारा सामान को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। तो गाइस, मेरा सारा काटा हुआ हो गया है। मैं यह सत्तू में हल्का सा नमक डाल दिए, उसके बाद सारा प्याज अदरक मिर्च मिला के इसमें मैं मिला दे रही हूँ। इसमें हल्का सा मैंने रिफाइन का तेल डाला है। गाइस, आप लोग इसमें घी भी डाल सकते हैं। गाइस, मेरे घर में घी नहीं है इसलिए मैं रिफाइन का तेल ही यूज कर रही हूँ। और देखिए, इधर मेरा आटा भी एकदम पूरा रेडी हो चुका है, तो मैं इस आटे का गोली बना ले रही हूँ। आप लोग को जैसे बनाना है उसी गोली बना सकते
सकते हैं, आप लोग को जितना बड़ा साइज रखना है। मैं तो पूरी के साइज के ही रोल बना रही हूँ छोटा छोटा करके। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने गोली एकदम पूरी के आकार के बना लिए हैं, और इधर मेरा सत्तू बन के रेडी है, और इधर आटा के गोली भी बन के रेडी है। अब मैं सारा मतलब सत्तू जो बनाया है बना के रखा है उसको मैं इस आटे के अंदर डाल रही हूँ। मैं सारा एक ही साथ बना के रख लूँगी गोली सब, ताकि मतलब पूड़ियाँ बनाने के टाइम मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो कि एक बार गोली बनाऊँ फिर एक बार पूड़ियाँ बनाऊँ। उससे अच्छा मैंने सोचा कि एक ही बार में गोलियां बना के रख लूं। और इधर देख रही है एक तरफ मेरा दाल बन रहा है और एक तरफ तेल गरम हो रही है। तो गाइस देखिए मैंने पूरियां बेल ली है और इधर तलने भी दे दिया है। तो आप लोग देख रहे हैं गाइस मेरी पूरियां कितना सुंदर एकदम बन रही है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पूरियों को थोड़ा लाल लाल होने दीजिएगा, नहीं तो उसमें कच्चा बन रह जाएगा अंदर। ऐसे गाइस देखिए मैं अपने कितने आसानी से अब मैं अपने पूरियों को बना पा रही हूँ। गाइस आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा तो आप लोग का भी जल्दी बन जाएगा, और इसमें गैस की खर्चा भी कम होगा। नहीं तो उसमें बार बार गैस को कम बेस कम ज़्यादा करना पड़ता है तो उसमें टाइम भी लगता है। इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगा। तो देखिए गाइस मेरी पूरियाँ बन के रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है खाने में। गाइस आप लोग भी कभी इसको बना के खा के कमेंट में बताइए कि कैसा लगता है। और गाइस इधर देखिए मैं दाल बनाने के लिए इधर कढ़ाई गरम हो गया है, और मैं इसमें हल्का सा जीरा और छोटे छोटे आकार में कट के लहसुन प्याज सारा डाल दे रही हूँ। इसको मैं थोड़ी देर तक भूनूंगी जब तक नहीं लाल ना हो जाए। जब इसमें हल्का सा लाल कलर आ जाएगा तो इसमें मैं नमक हल्दी और थोड़ा मसाला का पेस्ट डालूंगी। इसमें यह मसाला मैंने मिर्च अदरक लहसुन जीरा काली मिर्च डाल के बनाया है। इसका पेस्ट मैंने पहले ही बना लिया था सुबह, तो वो थाई तो मसाला तो मैंने वही डाल दिया है। तो गैस इसको धीमी आँच में कुछ देर तक पकाए जब तक ना इसमें लालीपन आ जाए। अगर मसाला अच्छा से नहीं बनेगा तो फिर मतलब दाल बनने में टेस्ट नहीं लगेगा। देखिए मैंने हल्का सा पानी हल्का सा नमक और हल्का सा हल्दी भी डाल दिया है। मैंने हल्का सा ही डाला है क्योंकि दाल जब मैंने बन ले दिया था तो उसमें हल्दी और नमक पहले ही डाल दिए थे, तो इसलिए इसमें हल्का सा लगा दिए। तो देखिए गैस मेरा मसाला बन के रेडी हो चुका है, और ये पूरा लाल नहीं, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा ही पकाना है, और मैंने इसमें दाल डाल दिया। तो गैस आप सभी को अगर मेरा लाइक मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और गैस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो गैस देखिए मेरा दाल बन के रेडी हो चुका है। मैंने इसमें कोई मसाला वगैरह यूज नहीं किया है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से दाल का सब्जी बनाया है। देखिए मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया है, और मैं अब आदर्श के लिए खाना लगा रही हूँ क्योंकि उसको भूख लग गया है। बेचारा शाम से आज कुछ नहीं खाया है, तो मैंने उसके लिए देखिए कटोरा में दाल की सब्जी पूड़ी और साथ में मैंने अचार दे दिया। गाइस आप लोग भी कभी इस तरह बना के खा के देखिए और बताइए कि किस तरह का लगता है खाने में आपको। और इसमें तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस बाय, राधे।